बहुत बहुत स्वागत। और थोड़ी देर में शुरू होगा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। और देखिए क्या लिखा हुआ है हमने, वर्ल्ड कप हमारा है, खिलाड़ियों को सिर्फ इस एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयादि बोधक उसे हटाना है। थोड़ी देर में साउथ अफ्रीका से भारत की भिड़ंत होनी है, हालांकि मैच में बारिश की भी संभावना है। तकरीबन 51% बारिश की संभावना, जो अनुमान जताए जाते हैं, अनुमान शब्द बेहतर है, वो जताया गया है। हालांकि फाइनल के लिए एक रिजर्व डे भी पूरा रखा गया है। आज अगर मैच पूरा नहीं हुआ तो कल भी ये मुकाबला होगा। थोड़ी देर में T20 वर्ल्ड कप फाइनल, साउथ अफ्रीका और भारत की भिड़ंत। बदरा बरस सकते हैं लेकिन रिजर्व डे रहेगा। आज अगर मैच पूरा नहीं हो पाया तो कल, मौसम का अनुमान है 51% चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है, बारिश खलल डाल सकती है। कई मायनों में यह जो वर्ल्ड कप होगा यह खास है, और पहली बार ऐसा होगा कि दोनों टीमें अपना कोई भी मुकाबला हारी नहीं है, अजेय है। यह पहली बार होगा कि जो भी वर्ल्ड कप उठाएगा वो अजेय वर्ल्ड कप उठाकर ले जाएगा, और भारत को पूरा भरोसा कि वर्ल्ड कप हमारा है। तो 28 दिन 54 मुकाबले के बाद आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल कुछ समय बाद खेला जाना है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका। विजय रथ पर सवार दोनों टीमें बारबाडोस में एक दूसरे से भिड़ेंगी। अफ्रीकी को अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीतने का इंतजार है और भारत को 2007 का इतिहास दोहराने का। आज फाइनल मुकाबले से पहले चर्चा करेंगे उन खिलाड़ियों के बारे में जो आज अफ्रीका को कड़ी टक्कर देंगे। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए और उसके बाद एक्सपर्ट से हम चर्चा भी करेंगे, हमारे जो सहयोगी हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। गुमराह की चाल, अफ्रीकी का होगा बुरा हाल। कुलदीप घुमाएंगे गेंद, मार्क राम खा जाएंगे गच्चा। कोहली हैं फाइनल के खिलाड़ी, रबाड़ा पर पड़ेंगे भारी। रोहित पंत करेंगे यानसेन और नोरकिया का काम तमाम। भारत के एक एक खिलाड़ी ने टारगेट कर रखा है अफ्रीका के एक एक गेंदबाज को, कौन किस पर कहर बनकर बरपेंगे। रोहित ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। सबसे पहले जानिए कौन किस पर भारी पड़ सकते हैं। अर्शदीप सिंह डीकॉक को 3 बार अपनी गेंद पर आउट कर चुके हैं, मतलब आज अर्शदीप डीकॉक पर कहर बनकर बरपेंगे। कुलदीप यादव ने डीकॉक को 2 बार आउट किया है, तो वहीं अक्षर पटेल ने 2 बार और बुमराह ने 1 बार। ये तीनों खिलाड़ी इस समय टीम में है, मतलब आज डीकॉक का काम तमाम। वहीं रीजा हेंड्रिक्स को अर्शदीप ने 3 बार आउट किया, तो वहीं कुलदीप यादव ने 1 और हार्दिक पांड्या ने 1 बार आउट किया है। और बात कप्तान एडन मार्करम की, जिसे अक्षर पटेल ने 2 बार, अर्शदीप सिंह, कुलदीप और बुमराह ने 1-1 बार आउट किया है। क्लासेन को अक्षर पटेल ने 1 बार आउट किया, कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या ने 2 बार आउट किया है। और अब बात उन भारतीय खिलाड़ियों की जो आज अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देंगे। सूर्य कुमार यादव से भी बड़ी पारी की उम्मीद है, तो रोहित और कोहली से अच्छी शुरुआत की। सूर्य ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 पारियों में 343 रन बनाए हैं, तो वहीं उनके बल्ले से 5 50+ रनों की पारियां भी देखने को मिली। इस दौरान सूर्य का औसत जहां 68.60 का रहा है, तो वहीं स्ट्राइक रेट 177.7 का। दूसरी तरफ कोहली ने 13 मैचों में 35.33 के औसत से 318 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 2 अर्धशतकीय पारियां देखने को मिली हैं। वहीं कोहली का स्ट्राइक रेट 134.18 का रहा है। रोहित शर्मा ने अफ्रीका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में 17 मैच खेले हैं, जिसमें 28 के औसत से उन्होंने 420 रन बनाए हैं, तो 350+ रनों की पारियां भी खेली हैं। ये आंकड़े कह रहे हैं कि भारत के गेंदबाज तो कहर भर पाएंगे ही, साथ ही अगर इन 3 बल्लेबाजों ने अपने रिकॉर्ड के मुताबिक आज काम कर दिया तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि विश्व कप हमारा है, बल्कि हम ये कहेंगे कि विश्व चैंपियन हम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और वहीं फाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा पाठ हवन का दौर सिलसिला शुरू हो चुका है उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में। भारतीय टीम की जीत के लिए विशेष पूजा की गई और इंदौर की भी तस्वीरें, इंदौर में भी विशेष हवन किया गया है ताकि ये जो वर्ल्ड कप है वो हमारा ही हो। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, महामुकाबले का इंतजार किया जा रहा है। अमरोहा की तस्वीरें वाराणसी, हुबली कर्नाटक जहां जोश हाई है, मध्य प्रदेश के खंडवा जहां पर हवन पूजन का सिलसिला चल रहा है, विशेष पूजा से लेकर खास तैयारियों तक और खास तैयारियों से लेकर जोश एकदम हाई है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं भी दे दी। जब मैं अपना वो मुकाम हासिल कर लिया जिसका हम सब वेट कर रहे थे, फाइनल में ऐतिहासिक जीत की तरफ भारत बढ़ेगा, ये मेरी शुभकामना था। बाबा महाकाल का आशीर्वाद रहेगा और जिस प्रकार से हमारी टीम खेल रही है, सभी मैच जीती है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि युवाओं के लिए, देश के लिए सबका 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 सबकी शुभकामना उन खिलाड़ियों के प्रति है जो जीवटता से खेल रहे हैं, मेरी अपनी ओर से। और फाइनल को लेकर जो बारबाडोस है जहां पर मैच होना है वहां पर भी जबरदस्त उत्साह है, बड़ी संख्या में भारतीय टीम के फैंस यहां पर मैच देखने के लिए पहुंचे हुए हैं, अपने अपने तरीके से चेयर अप कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो मानकर चल रहे हैं कि हाँ वर्ल्ड कप हमारा है। अलग अलग तरीके से रंग बिरंगी तस्वीरें, ये वहीं की तस्वीरें हैं जहां ये मैच होना है बारबाडोस में। तो फैंस, भारतीय फैंस वो किस तरह से टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं उसकी तस्वीर। अब थोड़ी सी बात जरा ट्रैक रिकॉर्ड की कर ली जाए, एक नजर डाल लेते हैं कि वर्ल्ड कप में भारत का क्या कुछ इतिहास रहा है, किस तरीके का इतिहास रहा है वो बेहतर तरीके से हम आपको समझाते हैं ताकि जो चांसेस हैं किस तरह से जीत के बन रहे हैं और क्यों हम ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप हमारा है। टीम इंडिया 2007 में विजेता रही है, 2009 में ग्रुप स्टेज से टीम बाहर हो गई, 2010 में भी ग्रुप स्टेज से टीम बाहर हुई, बात अगर 2012 की कर ली जाए तब भी ग्रुप स्टेज से बाहर, 2014 में टीम इंडिया रनर अप रही, 2016 में सेमीफाइनल तक पहुंची, 2021 में भी ग्रुप स्टेज से टीम बाहर हो गई थी, 2022 में टीम इंडिया ने सेमीफाइनल तक का सफर किया था और आज होने जा रहा है फाइनल मुकाबला। और अब तक टीम इंडिया कोई मैच नहीं हारी है, अजय अश्वमेध रथ की तरह लगातार अश्वमेध की तरह वो आगे बढ़ती जा रही है, ठीक वैसा ही जो रिकॉर्ड है वो साउथ अफ्रीका का भी है। यही वजह है कि बहुत दिलचस्प ये मुकाबला लोगों को आज देखने मिलने जा रहा है। तो अब T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका का क्या कुछ रिकॉर्ड है वो आपको जान लेना चाहिए। साउथ अफ्रीका 2007 में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई, 2009 में टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, 2010 में ग्रुप स्टेज से बाहर हुई, 2012 में भी साउथ अफ्रीका ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई, 2014 में सेमीफाइनल तक का सफर साउथ अफ्रीका ने तय किया, 2016 में ग्रुप स्टेज से टीम बाहर हो गई, 2021 में भी वही स्थितियां, 2022 में भी साउथ अफ्रीका की टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। अब इस बार भारत के साथ उसका मुकाबला है, साउथ अफ्रीका की टीम के साथ एक टैग है चोकर्स, कहीं ना कहीं भारत के लिए भी अनकहे तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और आज भारतीय टीम इसे निश्चित तौर पर बदल देगी। आज होने वाले मैच के लिए टीम इंडिया के संभावित प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, ये चेहरे आपको आज नजर आ सकते हैं जिन पर जीत का दारोमदार, वर्ल्ड कप को लाने का दारोमदार टिका हुआ है। तो खेल को हम डिकोड भी करेंगे, फैंस क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह की उम्मीदें वो भी हम जानेंगे, हमारे तमाम सहयोगी भी हैं और जो लगातार खेल को डिकोड करते हैं वो भी हमारे साथ हैं। अमृत आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे खेल संवाददाता भी हैं
और क्रिकेट को बहुत बारीकी से, तमाम खेलों को बारीकी से जानते हैं, क्रिकेट में खास दिलचस्पी। मिथिलेश हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। उमेश बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुर्ग के हाल के लिए मिथिलेश ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वैभव भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अमृत, आपके पास इतनी उम्मीदें, ये दरअसल क्यों कह रहा है पूरा देश के वर्ल्ड कप हमारा है, हमने भी सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन लगा रखा है अमृत। ललित भाई कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, देखा हमने क्या हुआ, लगातार हम जीतते गए और एक मैच में सब कुछ कोलैप्स हो गया। यही सीजन यहाँ भी है, लगातार हम जीत के यहाँ पहुंचे हैं और लेकिन फाइनल, अच्छी बात यह है जो सामने वाली टीम है उसने तब तक फाइनल जीतने का स्वाद भी नहीं चखा है, तो जिसका फायदा भारतीय टीम उठा सकती है। फाइनल में खेलना, उसका अनुभव, उसका दबाव टैकल करना, वो अलग तरीके का एक प्रेशर होता है ललित भाई। वो सिर्फ एक कप्तान वो टीम जान सकती है जो लगातार फाइनल से फाइनल खेल रही हो, तो ये एक एडवांटेज जो टीम इंडिया के साथ है मैच शुरू होने से पहले। लेकिन मैं एक चीज जरूर कह दूं कि आज का मुकाबला बेहद मजेदार होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ भाई वर्ल्ड कप फाइनल है। जो बात कह रहे थे ना कि एक टीम चौकर से और एक एक्सक्लेमेटरी के साथ है, तो मैं कहूंगा कि भारतीय टीम ना वो एक्सक्लेमेटरी साइन हटा दे, वो मतलब चौकर के लिए टीम इंडिया बनी नहीं है, ये शब्द हमारे लिए है ही नहीं, ये शब्द जिनके लिए है उनको ही रहे उनके पास, तो ज्यादा बेहतर है। दुआ मेरी यही है कि रोहित भाई आज कमाल करे। जी जी, कमाल करें और पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है। वैभव भी हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, सबसे बड़ी चुनौती क्या, बारबाडोस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हालांकि बहुत सपोर्टिव नहीं है भारत के लिहाज से। वैभव देखिए, मुझे लगता है कि रिकॉर्ड्स अपनी जगह होते हैं और रिकॉर्ड तो बनते ही लले टूटने के लिए हैं। आज जिस तरीके की उम्मीद भारतीय फैंस अपनी टीम से लगाए हुए हैं, आपने देखा भी था पिछले मुकाबले में जब टीम ने मैच जीता तो रोहित शर्मा की आंखों में तक आंसू थे, भावनाएं उनकी साफ झलक रही थी, क्योंकि जब हार हुई थी विश्व कप 2023 में तो सबके दिल टूटे थे, करोड़ों भारतीय फैंस उदास हो गए थे, लोग बीच मैदान से जाने लगे थे, खेल चल रहा था उस वक्त। तो मुझे लगता है रिकॉर्ड्स की बात तो रिकॉर्ड्स तक ही सीमित रहती है, आज पिच के मैदान पर उसका सिक्का जमेगा जो बल्ले से कहर भर पाएगा और गेंदबाजी से आग उगलेगा। मुझे लगता है कि ये भारतीय टीम जो इस वक्त हम देख रहे हैं ये सबसे बेहतरीन फॉर्म अपना दिखा रही है, ऊपर से रोहित शर्मा हो, नीचे से हार्दिक पांडे और अक्षर पटेल तक बल्लेबाजी इनके पास, बहुत डीप बल्लेबाजी, और उसके बाद हमने देखा गेंदबाजी किस तरीके करते हैं, इंग्लैंड को 103 पर ऑल आउट कर दिया, वो इंग्लैंड जो 500 रन बनाने का दावा करती है वनडे इंटरनेशनल्स में, वो इंग्लैंड जो 300 रन का बनाने का दावा करती है T20 में, उस टीम को 10 विकेटों पे ऐसे खत्म करा जैसे लग रहा हो कि हम किसी छोटी टीम के खिलाफ खेल रहे हो, किसी छोटे देश के खिलाफ खेल रहे हो। और साउथ अफ्रीका की अगर अब बात करें तो 2014 में भी जिस तरीके से सेमीफाइनल में इनको हराया था, विराट कोहली एंड तक खड़े रहे थे, 72 रन बनाए थे, तो आज आशा फैंस की सबसे ज्यादा विराट कोहली के ऊपर, सबकी निगाहें विराट कोहली के ऊपर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हम जोश को भी परखेंगे। आज हमारे साथ दो मिथिलेश जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले इंदौर हम आपको लिए चलते हैं। मिथिलेश, हाउ इज द जोश? अक्सर हाई रहता है और वो हाई जोश जो है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त इंदौर के युवा बैंड मेरे साथ हैं और ये क्रिकेट को बेहद पसंद करते हैं और खान पान के लिए मशहूर 56 पर इस वक्त में मौजूद हूं। पानी बहुत गिर रहा, बरसात बहुत हुई है, इसलिए हम अंदर हैं, वरना हमारे साथ बहुत लोग भी मौजूद थे। फिलहाल चलिए जोश की तस्वीर इंदौर से हम आपको दिखाते हैं। जी जय हो। पर जय के साथ साथ विजय की पूरी उम्मीद। आएंगे आपके पास मिथिलेश, वक्त की थोड़ी कमी, उमेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, क्या कह रही है न्यायधानी, कैसे चीयर अप कर रही है खिलाड़ियों को? उमेश
जी ललित जी, देखिए बिलासपुर में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, लोगों को ये उम्मीद थी कि बारिश नहीं होगी तो वो आउटडोर स्क्रीन लगाकर या फिर प्रोजेक्टर लगाकर इस पूरे मैच का लुत्फ लेंगे, लेकिन बारिश नहीं थम रही है, लिहाजा तत्काल प्लान चेंज करते हुए यहाँ पर लखीराम ऑडिटोरियम में यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई हुई है गई है, देख सकते हैं आप भी, और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बैठक व्यवस्था है लोगों के लिए वो यहाँ पर की गई है, लगभग 400 से अधिक यहाँ पर लोगों की बैठक व्यवस्था है। क्या कुछ तैयारियां है इसको लेकर, आज के मैच को लेकर क्या कुछ तैयारी करनी पड़ी आप लोगों को, कैसा रहेगा आज का मैच, क्या लगता है? आज का बहुत शानदार मैच रहेगा, और जैसे दोनों टीम, हमारी टीम भी और दक्षिण अफ्रीका भी, अभी तक अजय हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय क्रिकेट टीम खेल रही है और रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव का फॉर्म है, और बॉलिंग में खास करके कुलदीप यादव बुमराह का जो फॉर्म है उसको देखते हुए लगता है कि हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, सिर्फ औपचारिकताएं पूरी हुई है और औपचारिकता बाकी है। आपको कैसा लगता है कि कौन जीतेगा, कौन किसका बल्ला चलेगा? आज हमारे इंडिया जीतेगा और आज रोहित शर्मा बहुत चलेंगे आज। ठीक, बिल्कुल रोहित शर्मा चलेंगे। विराट कोहली को लेकर क्या लग रहा है इस बार? देखो विराट कोहली तो मेरा फेवरेट है, अभी शांत है, लेकिन फाइनल मैच में जरूर चलेगा, वो काफी अच्छा रहेगा और हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल जीत की काफी उम्मीदें हैं और निश्चित रूप से भारतीय हैं और चाहते भी हैं कि 17 साल का जो प्यास है वो बुझे और वर्ल्ड कप जो है वो भारत लेकर आए। गजब की उम्मीद है, गजब का कॉन्फिडेंस, यही इस देश की खूबी और खासियत है। दुर्ग आपको लिए चलते हैं, दुर्ग भिलाई, क्या कुछ स्पात नगरी से खबरें हैं, किस तरह से चीयर अप है? मिथिलेश, क्या कुछ दुर्ग भिलाई का मूड? देखिए बिल्कुल भिलाई के लोग जो है, भिलाई के खिलाड़ी जो है वर्ल्ड कप के लिए तैयार है और जोश दिखाना चाहूंगा कि ये इंडिया का जोश है, ये भिलाई वासी है, ये भिलाई के लोग है, किस तरह से यहाँ पर इंडिया की हौसला बढ़ा रहे और देख सकते हैं कितनी बड़ी तैयारी यहाँ पर की गई है। क्रिकेट हो रहा है और यहाँ पर खेलते हुए जो युवा है वो जो है यहाँ से बैठ के ही इंडिया का जोश बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज काफी अहम मुकाबला होने जा रहा है और ये पूरा दिल की आवाज बता रही होगी कि किस तरह से जो आज हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रखे। देखिए कितना उत्साह है, कितना इतना उत्साह है कि आज हम लोगों ने भिलाई के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने और सीए स्टूडेंट्स ने हमने यहाँ पर एक टूर्नामेंट रखा है और उसको खेलते हुए हम लोग इंडिया के जीतने की कामना कर रहे हैं और आज इंडिया बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप जीतेगा, मतलब जीतेगा। साउथ अफ्रीका को हराएंगे, वर्ल्ड कप लाएंगे इंडिया। इंडिया से कितनी उम्मीदें हैं आप लोग को वर्ल्ड कप? इस बार विराट कोहली भी चलेगा बहुत अच्छे से और इंडिया ट्रॉफी लाएगी, ये कंफर्म है। देखिए क्या लगता है, स्ट्रेटजी कैसे होना चाहिए? जीतेगा, बैटिंग आनी चाहिए, बॉलिंग आनी चाहिए, जो भी है जीतेगा इंडिया। क्या लगता है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, बड़े बड़े दिग्गज, विराट कोहली फर्स्ट डाउन आए या सेकंड डाउन आए, इस मैच में विराट कोहली का 50+ स्कोर है ही। हौसला बढ़ाएंगे टीम इंडिया का? जी सर बहुत अच्छे से, हमारी टीम इंडिया ही जीतेगी। इंडिया ही जीतेगा, उसको अच्छे से खेलना चाहिए और इंडिया ही जीतेगा। इंडिया द बेस्ट है ये बता रहे हैं और पूरा हौसला बढ़ा रहे हैं टीम इंडिया के। यहाँ के लोग हैं जो काफी उत्साहित हैं, कुछ देर में वर्ल्ड कप होगा, उसका आनंद उठाएंगे और यहीं से जो है टीम इंडिया को हौसला बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो तमाम ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कश्मीर से कन्याकुमारी या यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से बारबाडोस तक जोड़ दिया जाए। अमृत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमृत, खास तौर पर स्पिनर्स और लेग स्पिनर्स स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, उनको गेम चेंजर भी बताया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की जो रणनीति रही है अपने स्पिनर्स को लेकर, साउथ अफ्रीका को हम वाकई डिफीट दे पाएंगे, ये थोड़ा समझाइए अमृत। देखिए बिल्कुल ललित भाई, सवाल बहुत अहम है, ये पॉइंटेड सवाल है, ये है कि क्लासन, डी कॉक, ये सब अभी आईपीएल खेल के गए हुए खिलाड़ी हैं, ये इन लोगों ने जिस तरह से ओपनिंग की थी आईपीएल टीम के लिए, शुरुआत किया था, तेज तरार गेंदों को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया था और इनको रोका गया था स्पिनर के दम पर ही, तो मुझे लगता है कि हाँ एक थोड़ा सा इम्पैक्ट देगा हमारा स्पिन डिपार्टमेंट जो लगातार विकेट लेता हुआ आ रहा है क्रूशियल टाइम्स पे, ये फायदा हमारे पास है। लेकिन आज ललित भाई मैं एक पॉइंट बस ऐड करना चाहूंगा, आज यहाँ पर जो जीत मिलने वाली है वो दो खिलाड़ी होंगे गेंदबाजी में से, चाहे वो गेंदबाज हो, स्पिनर हो या फिर फास्ट बॉलर हो, बल्लेबाजी में या तो आज क्लासन का बल्ला चलेगा तो साउथ अफ्रीका मैच ट्रॉफी लेके जाएगा, या फिर विराट कोहली का बल्ला चलेगा तो फिर टीम इंडिया के खाते में कप आएगा, क्योंकि दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड कप में साइलेंट बैठे हुए हैं लेकिन बड़े मैच में दोनों मुझे लगता है ब्लास्ट करने को तैयार है। ठीक ठीक ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त की थोड़ी कमी है, हालांकि और भी सारी तस्वीरें हमें दिखानी थी लेकिन
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इन उम्मीदों को, इस चेयर अप को हमने टीम इंडिया तक पहुंचाया। अब बात करेंगे T20 मैच में भारत और साउथ अफ्रीका के मुकाबलों की। दोनों टीमों के बीच अब तक 26 T20 मैच खेले गए। इन 26 मैचों में से 14 मैच भारत ने जीते हैं, 11 मैच दक्षिण अफ्रीका के खाते में गए हैं। बात अगर T20 वर्ल्ड कप की करें तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल जमा 6 मुकाबले हुए हैं। वर्ल्ड कप के इन 6 मुकाबलों में भारत ने 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका सिर्फ 2 मैच जीत सका है। अब एक नजर हम डाल लेते हैं बारबाडोस की बात करेंगे। अब तक यहां पर दोनों टीमों ने 3-3 मैच खेले हैं। बारबाडोस में भारत ने 3 मैचों में से 1 जीता है, जबकि 2 मैच में हार हुई है। यही मैंने जब वैभव के पास हम गए थे इसी ट्रैक रिकॉर्ड का मैं जिक्र कर रहा था। बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका ने 3 मैचों में से 2 जीते हैं और 1 मैच वो हारा है। इस तरह की स्थितियां रही हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द अब से कुछ घंटों बाद जब हम मिलेंगे तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयादि बोधक जिसे आप कहते हैं ये हट चुका होगा और वर्ल्ड कप हमारा होगा। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।